भारत देश की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? धन्यवाद। और जो हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान परेशान है ना, उनके लिए कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित है। पिछले 20 साल से जो हमारे नौजवान साथी डिग्री डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं ना, उनके लिए प्रति वर्ष 30 लाख रेगुलर नौकरी निकालने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। और हमारे यहाँ वर्ग सबसे ज्यादा मजदूरी करता है। मनरेगा का कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इनको तकलीफ हो रही है कि यार ये कानून कांग्रेस पार्टी लेके आई, इसको कमजोर कैसे करे। तो मजदूरी लगाती और चार चार महीने से मजदूरी नहीं देती। पार्टी इलाके के लोगों के चार महीने से मजदूरी नहीं मिली, तो वो भी 241 रुपए। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जैसा कानून की जो मंशा है, कानून में लिखा है कि 15 दिन में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, तो वो करेंगे। दूसरा, 241 की जगह 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। किसान सबसे ज्यादा हमारे इलाके में, किसानों का जो दाम है वो सही नहीं मिल रहा है। भाजपा की सरकार 14 में आई थी, समर्थन मूल्य लाने की बात की थी, 2022 में किसानों की आमदनी का दुगना करने की बात की थी, लेकिन हो रही क्या? नहीं हो रही। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाएगी। जब कानून बन जाता है ना, तो उल्लंघन नहीं हो पाता है, और यदि कानून का उल्लंघन होता है तो देश में सजा का प्रावधान होता है जो संविधान के अंतर्गत होता है। तो समर्थन मूल्य का कानून बनाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वो भी कौन सी? स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के आधार पे यदि लागत हमारी 100 रुपए लग रही है तो फसल की कीमत 150 रुपए होगी, मतलब घाटे का सौदा नहीं होगा, फायदे का सौदा होगा।